Good afternoon, students. Today's topic of discussion is Liang-Barsky line clipping algorithm. This is a line clipping algorithm. We have already studied point clipping algorithm. Now we will study line clipping algorithm. Now see, there is a line AB. Fine. The line with the end points x1, y1 and x2, y2. Suppose there is a line AB. Now, जो A point है, उसके जो coordinates हैं, that is x1, y1 और B point के जो coordinates हैं वो है x2, y2. Now there is another parameter also, that is t. T is the time of a particular instance और जो t की value होगी वो greater than 0 और less than 1 होगी. Means जो t की value होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी. Now जो starting time है वो है t0 और जो finish time है वो है हमारा t1. Now T0 टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे जो A पॉइंट है उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1 और B पॉइंट जो कि T1 टाइम पर है, मतलब 1 सेकंड पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 और y2. फाइन, तो स्टार्टिंग टाइम इज़ 0 सेकंड, ये जो हमारा स्टार्टिंग टाइम है 0 सेकंड और फिनिश टाइम है हमारा 1 सेकंड, ठीक है. और जो टाइम होगा हमारा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है 0 सेकंड से स्टार्ट करके 1 सेकंड तक. फाइन, और इसमें हमें जब हम स्टार्ट करा, जब हमने 0 सेकंड पे और जब तक हम 1 सेकंड पे आ रहे हैं तो हमें फाइंड आउट करना है कि टी टाइम पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई उनकी क्या वैल्यू है. तो हमारा एम क्या है कि वी नीड टू फाइंड द टाइम टी टू टेल द कोऑर्डिनेट्स. मींस टी इंस्टेंट पे हमारा एक्स वाई की क्या वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करना है. अब उसके लिए क्या है कि ये एक क्लिपिंग विंडो हमें गिवन है, ठीक है. क्लिपिंग विंडो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है. तो क्लिपिंग विंडो में ये कोई लाइन इसमें से पास कर रही है. अभी ये लाइन पूरी क्लिपिंग विंडो के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, या हो सकता है कुछ आधा पार्ट बाहर है और आधा पार्ट अंदर है, ठीक है. तो सपोज़ हमें नहीं पता वो अभी कैसे लाइन है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो टी पॉइंट है वो हमारा क्लिपिंग जो विंडो है उसके अंदर है या बाहर है, ठीक है. तो जब भी क्लिपिंग विंडो होती है तो उस पर हमें 4 पॉइंट्स पता होते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. एक्स डब्ल्यू मिनिमम, एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम, वाई डब्ल्यू मिनिमम और वाई डब्ल्यू मैक्सिमम. तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि विंडो में एक्स की वैल्यू मिनिमम क्या है और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वाई की क्या मिनिमम वैल्यू है और यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक्स डब्ल्यू मैक्स क्या है और यहाँ से हमें पता चलेगा वाई डब्ल्यू मैक्स का क्या है. नाउ लाइन जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है वो हमारी ये होती है एक्स इज इक्वल्स टू 1 - tx1 प्लस tx2, ठीक है. और ऐसे ही वाई के लिए भी सिमिलरली यही इक्वेशन होती है. तो इस इक्वेशन में क्या है, हमें x1 और x2 पता होंगे और पर्टिकुलर टाइम t पता होगा तो हम उससे x और y फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ हमने सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें इस इक्वेशन के तो हमें मिल जाएगा x1 - tx1 प्लस tx2 और उसको सॉल्व करके ये t हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो x2 - x1 हो गया और x2 - x1 को हम डेल्टा x लिख सकते हैं, ठीक है. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई x1 प्लस टी डेल्टा x. सिमिलरली हमने y को भी यहाँ पे सॉल्व करा है, ब्रैकेट ओपन करे हैं और देन y1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमने t को कॉमन ले लिया तो y2 - y1, तो y की वैल्यू आ गई y1 - t delta y. नाउ जो हमने पॉइंट क्लिपिंग एल्गोरिथम पढ़ा था उसमें ये 2 कंडीशंस होती हैं कि अगर x और y इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट क्लिपिंग विंडो के अंदर होगा. तो हमने यही दोनों इक्वेशंस को यूज़ करा है. इन दोनों इक्वेशंस में हमने x और y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करा है, ये जो हमारी x और y की 1 और 2 की इक्वेशन है. तो x की जगह पे हमने रखा है x1 प्लस t डेल्टा x यहाँ पे और y की जगह पे हमने रखा है y1 प्लस t डेल्टा y. फाइन, इन इक्वेशंस में जब रखा, अब इसको हम इस इक्वेशंस को हमने 4 पार्ट में ब्रेक करके रीराइट करा है. मींस जैसे ये वाला पार्ट यहाँ पे दिस इज़ ग्रेटर देन एक्स डब्ल्यू मिनिमम, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, देन एक पार्ट ये, देन नेक्स्ट पार्ट ये. तो ऐसे हमें 4 इक्वेशंस टोटल मिल जाएंगी. देन इन इक्वेशंस को हमने रीराइट करा है, t
टी डेल्टा एक्स यहीं पे रहने दिया है और ये एक्स वन हम इस साइड ले गए, तो ये हो गया एक्स डब्ल्यू मिनिमम माइनस एक्स वन, ऐसे यहाँ पे ले जाएंगे और सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे। देन हमने यहाँ पे क्या करा है कि जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा है इक्वेशन सेवन और एट को। ये जो इक्वेशन सेवन है और इसको एट को हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा है। तो जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ये हमारा चेंज हो जाता है, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसीलिए करा है क्योंकि हम चारों इक्वेशन को लेस देन की फॉर्म में चाहते हैं, वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट इट इन लेस देन फॉर्म। तो ये चारों इक्वेशंस इस फॉर्म में आ गई, देन ये हमारी पुरानी इक्वेशंस है। अब हमें सिर्फ ये चार ही इक्वेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अब इसे हम जनरल इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे। जनरल इक्वेशन हमारी है टी पी के इज़ लेस देन इक्वल्स टू क्यू के, के की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ये सब इक्वेशन को। नाइन्थ इक्वेशन को हमने कंपेयर करा इस इक्वेशन से, तो हम फाइंड आउट करेंगे पी के और क्यू के की क्या वैल्यू होगी। तो जब इसको आप कंपेयर करेंगे नाइन्थ से, तो आप देख सकते हैं कि पी के की क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, और क्यू के की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये एक्स वन माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेंगे सबके लिए पी के और क्यू के, ठीक है। देन पी के और क्यू के फाइंड करने के बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखना है कि अगर पी के की वैल्यू हमारी ज़ीरो आती है, ठीक है, तो इट मीन्स द लाइन इज़ पैरेलल। अब लाइन जो पैरेलल है वो क्लिपिंग विंडो के बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन है, अगर क्यू के की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है तो हमारी लाइन हो जाएगी आउटसाइड, फाइन। देन थर्ड हमारी है, अगर पी के की वैल्यू अदर देन ज़ीरो है, जैसे हमने यहाँ पे ज़ीरो के लिए डिस्कस करा, अगर ये अदर देन ज़ीरो है तो क्या हो सकता है, या तो लेस देन ज़ीरो होगी या ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। तो अगर लेस देन ज़ीरो है तो हम फाइंड आउट करेंगे टी वन की वैल्यू। टी वन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, टी इज़ इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ज़ीरो क्यू के डिवाइडेड बाई पी के, मतलब कि ज़ीरो और जो भी आपका क्यू के और पी के है, ठीक है, इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसको हम चूज़ कर लेंगे एज अ टी यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, हम टी टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मिनिमम देखेंगे दोनों में से, वन और क्यू के अपॉन पी के में से जो वैल्यू मिनिमम होगी उसको चूज़ कर लेंगे। तो इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे टी पता चल जाएगा कि क्या होगा हमारा, ठीक है ना। अगर हम चेक करेंगे, अगर टी वन ग्रेटर देन टी टू हमारा आता है तो इसका मतलब हमारी जो लाइन है वो कम्प्लीटली आउटसाइड है क्लिपिंग विंडो के, और हमें उसे कुछ नहीं करना है, बस सिंपली रिजेक्ट कर देना है। और अगर हमारा टी वन लेस देन टी टू आता है तो हमें क्या करना है, तो हमें उस टी को यूज़ करना है और पुट कर देंगे इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। कैसे करेंगे, एक्स वन वाई वन तो हमारे पास था ही पहले, और डेल्टा एक्स एक्स टू, क्योंकि ए और जो लाइन के बी पॉइंट्स थे हमारे पास वो तो हमारे पास पहले से ही थे, स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट। तो एक्स वन वाई वन तो हमारे पास था, टी इसमें से हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, टी वन यूज़ करेंगे इसमें, और हम न्यू कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स वाई के वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही हमारा मोटिव है। दिस इज़ लियांग बार्स्काय, आपका लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।